हमसे पास नहीं हो पाते हैं, लाइट में क्या शो करते हैं, डार्क में स्कैटरिंग, तो वही अब हमें डिटेल से पढ़नी है। डाली हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, और अब आपके कुछ ऐसे टॉपिक चालू हो रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लेकिन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट वन डालिए ब्राउनियन मूवमेंट, या आप मोशन भी लिख सकते हो, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको देखा था सबसे पहले, इसके पीछे कहानी भी, वो भी हम बता देते हैं। रॉबर्ट ब्राउन बॉटनिस्ट थे, आपके वनस्पति विज्ञानी थे, उनका खुद का बहुत बॉटनिकल गार्डन था, तो वो वहाँ बॉटनिकल गार्डन में घूम रहे थे, तो उनने क्या देखा, कुछ पोलन ग्रेन्स जो वहाँ पर उनका वाटर का एक कंटेनर था, हॉट टाइप की बनी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि ऊपर से कुछ पोलन ग्रेन्स जो फ्लावर के पेड़ से आपके गिर के पानी में आ गए, और ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये सीधे मोशन नहीं कर रहे, कभी ऐसे भग रहे, कभी ऐसे भग रहे, कहीं ऐसे भग रहे, फिर ऐसे। तो यहाँ से उन्होंने आइडिया लगाया कि पार्टिकल्स आपके सीधे सीधे भगते नहीं, लेकिन उन्होंने टेस्टिंग कई प्रकार के पार्टिकल्स पे की, बड़े पार्टिकल्स पे की, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल के, छोटे पार्टिकल, तो सब में ये मोशन नहीं पाया गया। ये मोशन एक विशिष्ट प्रकार के पार्टिकल्स में पाया गया जिसकी साइज होती थी बिटवीन 1-2000 नैनोमीटर। तो ध्यान रखिए, ब्राउनियन मोशन ना तो ट्रू सॉल्यूशन शो करते हैं ना ही सस्पेंशन शो करते हैं, एक विशिष्ट प्रकार के पार्टिकल की रेंज होती है 1-2000 नैनोमीटर, दैट इज कोलाइडल पार्टिकल, उन्हीं में पाई जाती है। फिर इन्होंने इसको मीजर किया और इसको देखा, और उन्होंने बोल दिया कि यह मोशन एक निश्चित डेफिनेट साइज के पार्टिकल्स में ही पाई जाएगी। एक मोशन है, जिग जैग टाइप का मोशन होता है, तो इसको सिर्फ मोशन बोला जाता है, मूवमेंट, और इसको सबसे पहले बताने वाले थे हमारे रॉबर्ट ब्राउन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन कहलाता है। ब्राउनियन मोशन कुछ नहीं है, वही मोशन है जो आप जनरली ऑब्जर्व करते हैं डस्ट पार्टिकल्स की। आप डस्ट पार्टिकल्स का मोशन देखना डार्क में लाइट डाल के, आप देखोगे वो रेंडमली बहुत फास्ट ऐसे झिलमिलाते हुए दिखेंगे आपको, तो वो एक कंटिन्यूस मोशन नहीं करते, वो कैसी मोशन करते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं, आपस में स्ट्राइक करते हैं, फिर ऐसे भागे, फिर वैसे भागे, ठीक है। तो यही मोशन कहलाती है आपकी ब्राउनियन मोशन। तो लिखिए ऑब्जर्व्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन, ऑब्जर्व्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन, ऑब्जर्व्ड बाई रॉबर्ट ब्राउन। आप नीचे से लिखिए द जिग जैग, द जिग जैग एंड कंटिन्यूस, द जिग जैग एंड कंटिन्यूस मूवमेंट, द जिग जैग एंड कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, आप जानते हो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या हैं, रेंज वाइज तो जानते हो, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम में से कौन है कोलाइडल पार्टिकल्स, डिस्पर्स फेज, ध्यान रखिएगा डिस्पर्स फेज ही हमारे क्या होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स। द जिग जैग एंड कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, आप लिख सकते हो ब्रैकेट में डी पी इन कोलाइडल सॉल्यूशन, इन कोलाइडल सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, कोलाइडल सॉल्व भी लिख सकते हो, जो आपको बेटर वर्ड लगे, इन कोलाइडल सॉल्यूशन, हालांकि सॉल्व इज राइट वन, कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड, ब्राउनियन इज कॉल्ड, ब्राउनियन मूवमेंट, द जिग जैग एंड कंटिन्यूस मोशन मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स,
कोलाइडल पार्टिकल्स इन कोलाइडल्स, थोड़ा यहाँ पर एक चीज़ और ले देते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राउनियंस मोशन। क्या रटना पड़ेगा क्या हमें? कुछ नहीं है, इतना भी ध्यान रख लो कि जो जिग जैग मोशन है, कंटिन्यूस भी नहीं लिखना नहीं लिखिएगा, जो जिग जैग और लगातार जो मोशन चल रही है उसी जिग जैग मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। किसकी प्रॉपर्टीज है? कोलाइडल पार्टिकल्स की। तो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है, अगर किसी तरीके से विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप आप उन्हें देखोगे तो उनकी मोशन आपको कैसी दिखेगी, जिग जैग। आप डस्ट पार्टिकल्स की एयर में भी ये मोशन देख सकते हो। तो टेढ़ी मेढ़ी जिग जैग एंड कंटिन्यूस लगातार मूवमेंट है हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स की, विच आर प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राउनियंस मूवमेंट। ये हमारी क्या कहलाती है, ब्राउनियन मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जिग जैग मोशन या मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, फॉर एग्जाम्पल जिग जैग मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, फॉर एग्जाम्पल जिग जैग मूवमेंट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल जिग जैग मूवमेंट, जिग जैग मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका, ब्राउनियन मूवमेंट का। ठीक है, इसमें हमारे कई सारे कोलाइडल पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, तो इनकी जिग जैग मोशन हम बना देते हैं। आप भी अपना कोई जिग जैग मोशन बना लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। किसकी आवाज आ रही है इतनी देर से? कैसे भी बना सकते हो, जैसे भी आपको बनानी है। तो ये जो जिग जैग मोशन है कोलाइडल पार्टिकल्स की, जो कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, कैसे भी बना सकते हो, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, टेढ़ी मेढ़ी गति बनानी है आपको, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। तो यही जो ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स, ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स आपके जिग जैग मूव कर रहे हैं, ये जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स जिग जैग मूव कर रहे हैं, इनके मोशन को ये बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, है ना, ध्यान रखिएगा। ये हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल मूवमेंट भी ले सकते हो, मोशन भी ले सकते हो। द जिग जैग मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन कोलाइडल सॉल्यूशन कॉल्ड ब्राउनियंस मूवमेंट, उसी को हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। कैसे भी बना सकते हो, छोटा सा एक डायग्राम बनाना है, ज़्यादा नहीं हो तो जेड ही बना दो, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ये लो, ऐसे ऐसे बना दो। इसी के नीचे स्टार लगा के पॉइंट लिखना है,
जो ब्राउनियन मूवमेंट है। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे अज्यूम कर लीजिएगा कि 1 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर या 999 नैनोमीटर किस प्रकार के कोलाइडल पार्टिकल की ब्राउनियन मोशन ज़्यादा होगी। हमने कहा एक कोलाइडल पार्टिकल 5 नैनोमीटर का है और दूसरा 500 नैनोमीटर का है, यहीं पड़ा हुआ है सोल्यूशन में, तो कौन सा कोलाइडल पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से जिगजैग मोशन शो कर रहा होगा, 5 नैनोमीटर वाला। तो ध्यान रखिएगा, तो जो ब्राउनियन मूवमेंट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ पार्टिकल्स, जितना छोटा पार्टिकल्स होगा। अब आप जानते हो कि 1 से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन 1 से बड़ा 1000 के बीच में हो सकता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ पार्टिकल्स। क्लाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी पूछेंगे आपसे हम। दूसरा क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कि छोटा पार्टिकल भी ले लिया, लेकिन एक पार्टिकल हमने डाल दिया ऑयल में ऐसे ही, और एक पार्टिकल डाल दिया वाटर में, तो किस में ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा? ऑयल को ही बोला क्या? ऑयल में कहाँ मूव करेगा, तो ऑयल में क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। चलो ऑयल नहीं समझ में आ रहा, तो हनी ले लो। एक पार्टिकल हमने डाल दिया हनी में और दूसरा वाटर में, तो किस में ज़्यादा मूव करेगा? मतलब जिसकी विस्कोसिटी क्या हो, कम हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आल्सो होती है विस्कोसिटी। अब आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन, टेम्परेचर से ब्राउनियन मोशन घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर से पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। इसको बड़े अच्छे से हाईलाइट करके नोट कर लो, और एग्जाम में आ जाए तो बढ़िया हाईलाइट करके लिखाना है ना, नहीं तो ब्राउनियन मोशन में लिखने के लिए है ही क्या हमारे पास, जिगजैग मोशन में सब कुछ है ही नहीं, बाकी तो जबरदस्ती है, खींच के हमने थ्योरी लंबी की है कि द जिगजैग एंड कंटीन्यूएशन मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन, नहीं तो उसमें है ही क्या बोलने के लिए, सिर्फ एक ही वर्ड तो बोलने के लिए है, जिगजैग मोशन, और कुछ है ही नहीं हमारे पास, है ना। तो ये पॉइंट आपका करेगा काम, तो ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा खोजबीन के लाए हैं आप लोगों के लिए पॉइंट, है ना। तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए, ब्राउनियन मूवमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, विस्कोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आपको याद कर लेना है। तो ये हो गई हमारी ब्राउनियन मूवमेंट, इट इज अ ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने पॉइंट को, क्योंकि लिखने तो सब वाले हैं, आ गया तो 100 में से 100 बच्चे लिखने वाले हैं जिगजैग मोशन, हम अपने आंसर को और अच्छा करते हैं। सर 2 के 3 मिल जाएंगे? नहीं, 2 के 2 ही मिलेंगे, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, बस कॉपी अच्छे से चेक होगी। डालिए हेडिंग cause of Brownian's मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट का क्या कारण है आप लोग बता सकते हो? व्हाट इज रीजन बिहाइंड ब्राउनियन मूवमेंट, व्हाट इज रीजन बिहाइंड मूवमेंट, क्या कारण हो सकता है, क्यों जिगजैग मोशन शो कर रहे, लीनियर मोशन क्यों नहीं शो कर रहे, प्लेनर मोशन क्यों नहीं शो कर रहे, एक पर्टिकुलर एंगुलर मोशन ही क्यों शो कर रहे, जिगजैग मोशन ही क्यों ये बता रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो आप लोग इस रीजन को बड़े आसानी से देख सकते हो, अगर आप डस्ट में पार्टिकल्स देखोगे, गौर से देखोगे आप, तो जो ये डस्ट पार्टिकल्स है, जब आप इसको देखोगे तो बहुत तेज़ी से ऐसे ऐसे लहराते आपको चारों दिशाओं में दिखेंगे, है ना। तो अब इस पार्टिकल्स में यहाँ से जितना फोर्स लगा उतना ही यहाँ से लगे, उतना ही यहाँ से, उतना ही यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो फिर इसकी मोशन होने वाली नहीं है, ये वहीं पर स्टेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब इक्वल स्ट्राइक तो इस पर हो नहीं रही, ठीक है। अब मान लो इस पर स्ट्राइक यहाँ से कर जाए,
तो ये यहाँ गया, ठीक है ना। तो सिर्फ इसी प्रकार की अगर स्ट्राइक इसमें होगी तो एक प्लेनर मोशन शो करने लगेगा, एक पर्टिकुलर प्लेन में घूमने लगेगा। लेकिन इसमें इसमें स्ट्राइक कैसे हो रही, अनइक्वल, मतलब एक ने इस पर स्ट्राइक की यहाँ से, दूसरा स्ट्राइक कर रहा है यहाँ से, तीसरा स्ट्राइक कर रहा है यहाँ से, तो इसमें कौन से कोलिजन हो रहे हैं, अनइक्वल कोलिजन हो रहे हैं। इसलिए इनकी गति कैसी हो चुकी है, टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, तो अनइक्वल कोलिजन है इसका कारण। तो कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट लिखिए, इसका कॉज है अनइक्वल कोलाइडल पार्टिकल्स, शुरू से लिखो अनइक्वल काट दो, कोलाइडल पार्टिकल्स सो जिग जैग मूवमेंट ड्यू टू अनइक्वल कोलिजन between dispersed phase and dispersion medium, ठीक है। अब तो हमने ये आपके दो नंबर से ज़्यादा का बना दिया आंसर। तो क्या कारण है इसका, जो क्लाइडल पार्टिकल जिसमें घुले उस मीडियम का नाम क्या, डिस्पर्सन मीडियम, और जो क्लाइडल पार्टिकल है उनका नाम क्या, डिस्पर्सन। इन दोनों के बीच में कैसे स्ट्राइक हो रही है, अनइक्वल कोलिजन हो रहा है, यही कारण है ब्राउनियन मूवमेंट का खोज का। एक पॉइंट और हम इसमें लिखो, कॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट क्लाइडल पार्टिकल सो जिगजैग मूवमेंट, या इसी को ब्राउन मूवमेंट कह सकते हो आप, ड्यू टू द अनइक्वल, मतलब उसको कहीं से भी हिट कर रहे हैं वो, डीपी और डीएम आपस में हॉच पॉच करके या रैंडमली आप एक हिट कर रहे हैं, अनइक्वल कोलिजन बिटवीन। आने वाले हैं आपको जो ऑब्जेक्ट में कई बार पूछा गया है, लेकिन बुक्स वगैरह में ढूंढोगे आप तो मिलता नहीं है पॉइंट, है ना। ए जब बहुत सारा पढ़ लो अलग अलग बुक्स, तब वहाँ से आंसर निकल के आता है। आपके एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया है, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन आखिरकार स्टेबल क्यों हो जाते हैं, अगर स्टेबल हो रहे हैं तो क्यों होता है। ऑप्शन में था, यही चार ऑप्शन रखे मिलते हैं। पहला ऑप्शन था ब्राउनियन मोशन,